नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पड़ोसियों को अतिथि बनाना संस्कार का परिचय देता है, लेकिन पड़ोसी को मुश्किलों का सबब समझा जाए तो जाहिर है अपनों के हक के लिए नए कायदे बनाने पड़ जाते हैं। बिहार को लेकर झारखंड में कुछ ऐसे ही हालात हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीयता को तरजीह देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नौकरियों में मौके खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। मगर ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ रिश्ते और नातेदारी तक सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि खालिस तौर पर सियासत है। तो आज बड़ी बहस में सियासत के सरहद के आर पार देखेंगे और तलाशेंगे उस हकीकत को जो बयानों को बाण की मानिंद साबित कर रही हैं। तो सीएम रघुवर दास ने स्थानीय नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में स्थानीय नीति लागू की जाएगी और यूपी बिहार वालों को झारखंड में नौकरी के मौके नहीं दिए जाएंगे। सीएम रघुवर के इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति बांटने के लिए की जाती है? बदल गए रघुवर के राग, यूपी बिहार वालों पर साधा निशाना। झारखंड में रघुवर दास के मुख्यमंत्री बने अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं कि उनके सुर बदल गए हैं। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग थर्ड ग्रेड में नौकरी में नहीं जाए। वो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जहाँ कुछ बाहर के लोग आए तो स्थानीय नीति हम घोषित कर देंगे तो बिहार और यूपी के कोई लोग थर्ड ग्रेड में नौकरी में नहीं जाए। वो काम भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। उनके पहले हेमंत सोरेन भी इसी तरह का बांटने वाला बयान दे चुके हैं। हेमंत सोरेन ने इस साल 3 फरवरी को दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह पर कहा था, झारखंड में बाहर से जो नौकरी मांगने आएगा उसका सिर फोड़ देंगे। क्या सरकार इसी के लिए है कि उस राज को छोड़ करके दूसरे राज के लोगों को हम अपने राज में घुसने दें? हमारा झारखंड का लोग बिहार में नौकरी लेने जाता है तो मार के माथा फोड़ देता है, बंगाल में जाता है तो मार के माथा फोड़ देता है, और वो लोग हमारे राज में आके नौकरी पाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी उन लोग का माथा फोड़ेंगे। हेमंत सोरेन ने जब यह बयान दिया था तो उस समय झारखंड और बिहार दोनों राज्यों के बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था और उस बयान को राज्य को बांटने वाला बयान बताया था। वीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भारत एक है, वैसी स्थिति में बाहरी भीतरी का ये नारा देना एक बिल्कुल गलत है। अगर कोई बयान दिया है तो वहाँ बीजेपी की सरकार है, हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है कि बिहार के लोगों को या पूरे देश के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कहीं कोई रोका जा सके। यह कांग्रेसी राज में ही हो सकता है, बीजेपी शासित राज्य में ऐसी हिम्मत किसी को नहीं है कि पूर्वांचल के लोगों पर कोई हाथ भी उठा सके। पिछले साल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राज्यवासियों से वायदा किया था कि वो जल्द से जल्द स्थानीय नीति बनाएगी। स्थानीय नीति में सबका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सत्ता में आते ही सीएम के सुर बदल गए हैं। अब सवाल ये है कि हेमंत सोरेन के बयान पर आंखें तरेरने वाले बीजेपी नेता क्या रघुवर दास के खिलाफ भी बोलेंगे? रांची से मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं रघुवर के बयान से बीजेपी और कांग्रेस सहमत दिख रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बिना स्थानीय नीति लागू किए प्रयास संभव नहीं हो सकता, लिहाजा सरकार को जल्द ही स्थानीय नीति लागू करना चाहिए। वहीं रघुवर के बयान का जेएमएम ने समर्थन किया है। पार्टी नेता का कहना है कि जेएमएम शुरू से इसी बात को कहती आई है और आज प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से सीएम ने भी इसे दोहराया है। मंत्री जी ने बयान दिया है, वो पार्टी का भी वही आपका मानना है। जो छोटा पद है वो झारखंड के अधिक से अधिक पदों पर झारखंड के निवासी को वो पद मिले, हम उनका हक को हमारी सरकार और पार्टी मारने नहीं दे। आज जो रघुवर दास जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है, हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो डिमांड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस बात को बहुत मजबूती से इस सरकार में रखा, इस राज्य में रखा, उसको आज मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं वो। और हेमंत सोरेन जी ने जो बातें कही थी इसी संदर्भ में कही थी कि जब हम यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़के अलग राज्य हम लोगों ने लिया तो फिर यहाँ के लोगों को हक अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? अभी जो आपने कहा स्थानीय लोगों को प्राथमिकता
थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में देने के पक्षधर हम भी हैं, यहाँ की स्थानीयता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से आप देखें, पिछले 30 तारीख को भी सर्वदलीय बैठक का समय रखा गया था, जिसको अब 7 अप्रैल को रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जिस वजह से पहले पेंडिंग थी, तो वो चीज़ें पहले तय हो जाए और उसके बाद लोगों को रोजगार मिले, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। तो इस मुद्दे पर अब एक राय सभी पार्टियों की दिख रही है। जाहिर है राजनीति इस नीति पर होती रही है लंबे अरसे से, और एक बढ़िया मौका हमेशा से सियासतदान इस नीति के तहत देखते हैं अपनी सियासत साधने का। लेकिन सवाल है कि सिर्फ सियासत ही होती रहेगी और कब तक बांटो और राज करो की नीति चलती रहेगी। हमारे साथ फिलहाल 3 मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता पटना स्टूडियोज में, साथ ही प्रवीण कुशवाहा हैं कांग्रेस की तरफ से, और अशोक कुमार सिंह हमारे साथ हैं जीएमएम प्रवक्ता रांची स्टूडियो से। स्वागत है आप सभी का। अशोक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। जीएमएम का ये स्टैंड कि सीएम रघुवर ने जो कहा वो सही है, पहली बार एक विपक्ष सरकार के साथ नजर आ रहा है, सवाल है कि क्या सरकार की मंशा आपको बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है मंशा? ये देखिए, हमारा जो माननीय हेमंत सोरेन जी का जो मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, उनके समय भी सर्वदलीय मीटिंग बुला करके हम लोगों ने स्थानीय नियोजन नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। और जहाँ तक बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री रघुवर दास जी ने जो बातें कही हैं कि यहाँ पर बाहरी जो बिहार और यूपी के लोगों को थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, मैं समझता हूँ कोई ये नई बात नहीं है। आप हमारे जो एकीकृत बिहार हैं वहाँ की आप देख लीजिए, डोमिसाइल की नीति देख लीजिए, नियोजन की नीति देख लीजिए, या बंगाल की, जो मैंने कहने का अर्थ है कि ये तो स्वतः बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया था। और मैं समझता हूँ कि आप भी जिम्मेदार हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोगों ने माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पूरे सर्वदलीय मीटिंग बुला करके इस चीज़ को प्रक्रिया में लाने का प्रयास किया था। और हम लोगों ने विपक्ष में जब आए तो हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से इन बातों को रखा कि बिना, जिस तरह से सरकार की घोषणाएं हो रही थी कि इतने लाख ये शिक्षक बनेंगे, इतने लाख इनकी नौकरी बनेगी, इतने हजार ये बनेंगे, तब हमारे माननीय विपक्ष के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही गंभीर होकर के इन बातों को कही थी कि आप लागू कीजिए ज़रूर, आप बहाली जरूर कीजिए, लेकिन बिना स्थानीय नियोजन नीति लागू किए हुए, नहीं तो हम माथा फोड़ देंगे प्रावधान बाहरियों को इन अगर नियुक्तियों की रिक्ति नहीं मात नहीं। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि जहां कुछ भी हो लेकिन माथा फोड़ने की बात, अगर आप तमाम नेता ऐसे कहते हैं तो ये एक उकसाने वाली राजनीति हुई और सिर्फ राजनीति करने जैसा लगता है इसमें। नहीं, उकसाने की बात नहीं है। देखिए देखिए, शब्दों का भावार्थ में जाएंगे तो बहुत तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन ये उस भावार्थ का एक ही अर्थ होता है कि इन चीज़ों को आप गंभीरता पूर्वक ले करके स्थानीय नियोजन का लागू ना सर कि आप तमाम राजनीतिक दलों ने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, सिर्फ बोलते रहे। शिबू सोरेन भी हमेशा से यही कहते रहे कि बाहरियों को नौकरी नहीं देंगे, नहीं होनी चाहिए। हेमंत सोरेन आए, वही कहते रहे, मौका सबको मिला लेकिन किसी ने इस पर ठोस पहल नहीं की, सिर्फ राजनीति होती रही। नहीं देखिए, पहल हम लोगों ने की है, मैं आपको स्पष्ट पहले भी कहते आ रहा हूँ कि हम लोगों ने सर्वदलीय मीटिंग का बुलाया था हेमंत जी के नेतृत्व में। और चूंकि देखिए, प्रजातंत्र में और सरकार में जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, हर पार्टी का अपना अपना। क्या बातें हुई सर, मुझे बता दीजिए, क्या दिक्कत आ गई उस समय, लागू नहीं कर पाती है सर? क्या दिक्कत आ गई सर्वदलीय बैठक में, या फिर आपके साथ कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कोई अड़ंगा लगाया क्या? कहीं ना कहीं अड़चन पैदा हो जाती है गठबंधन की जो सरकारें रहती हैं। सर, किसने अड़चन पैदा कर दी? क्योंकि आज कांग्रेस भी साथ में है।
नहीं नहीं, ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार ने घोषणा की है, माननीय रघुवर जी ने। आपकी गठबंधन की सरकार में भी पूर्ण बहुमत की सभी साथ में जो थे सहयोगी, क्या उनमें से किसी ने अड़चन पैदा की? अगर आप करना चाह रहे थे, स्थानीय नीति को लागू करना चाह रहे थे, स्पष्ट करना चाह रहे थे इस मुद्दे पर को, तो क्या किसी ने अड़चन पैदा की? स्पष्ट कीजिए आप जो कह रहे हैं अड़चन की बात। नहीं नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू किया और शुरू करने के बाद गठबंधन की जो मजबूरियां होती हैं कि वो जो कहां से कट अप डेट लागू होगा, बहुत तरह की बातें हो गई ना। तो सर मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा हूं सर, अशोक जी लागू नहीं कर पाया, लेकिन हमारी मंशा दर्शकों के सामने बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि कहां अड़चन आई, किन मुद्दों पर अड़चन आई और किसने अड़चन पैदा की आपने जब कोशिश की तो। नहीं नहीं, वही चीज है कि गठबंधन में बहुत छोटी पार्टियां भी थी और नेशनल पार्टियां भी थी। यहाँ आरजेडी भी बैठी हुई है मेरे साथ, आरजेडी के नेता भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए हैं। आप बताइए सर किसने अड़चन पैदा किया? जी जी, नहीं अड़चन वही कह रहा हूँ, अगर अड़चन पैदा नहीं होता तो लागू हो गई रहती। किस तरह की अड़चन पैदा की गई और किसने पैदा किया बताइए आप खुलकर, किस पार्टी ने अड़चन पैदा की? आप गठबंधन आप सुन लीजिए, बीती बाती विसार के नहीं सर, बीती बाती विसार के नहीं सर, कि 14 सालों तक झारखंड के साथ यही होता आया है नहीं, नहीं। और शायद अभी भी यही हो रहा है, बीती बातें विसार के आगे बढ़ने, लेकिन आगे तमाम सियासी पार्टियां बढ़ने नहीं देते हैं। ये सियासत ऐसी हो गई है। स्थानीय नीति को लेकर आप नहीं, नहीं, आप तमाम पार्टियां स्पष्ट करना चाह रही हैं और इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत करना चाहती हैं। आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय जी, क्या उस समय कोई दिक्कत हुई थी क्या? नहीं, कहां सियासत? नहीं नहीं, आप अड़चन की बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो आप स्पष्ट कीजिए दर्शकों के सामने, तस्वीर स्पष्ट कीजिए कि हाँ उस समय आपने कोशिश की थी, अड़ंगा इन्होंने लगा दिया वो, और वो कौन थे? नहीं नहीं, गठबंधन में बहुत सारे पार्टियों का अपना सर्वदलीय मीटिंग में, उसका आप सार को देख लेंगे, जो वहाँ पर मीटिंग हुई थी और जो उसमें से सार आया था तो एक मत नहीं हो पा रहा था। तो आप वो तो खुला अधिवेशन था, सारे प्रेस के लोग थे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है सर, लेकिन आप आज तो बता सकते हैं ना, संयोजक आपके गठबंधन में कौन सी पार्टी ऐसी थी जो किसी मुद्दे पर सवाल उठा रही थी या अड़चन ला रही थी? सुन लिया जाए, मेरी बात सुन लीजिए आप, उसके उस कमेटी के संयोजक ही थे माननीय राजेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस के मंत्री भी थे और उस कमेटी के संयोजक भी थे और तमाम वैसे लोगों थे, उनकी जवाबदेही भी थी, तो कहीं पर एक मत नहीं हो पाना। और आज मैं उनका उल्लेख करके उन पर किसी तरह का आक्षेप लगाना नहीं चाह रहा, हो सकता प्रयास करता है आदमी इस मुद्दे पर, कांग्रेस के लिए मुद्दा जरूरी है या नहीं और इतना जरूरी है क्या? जिस राज्य में इतने संसाधन हैं, जिस राज्य में रोजगार के इतने साधन पैदा किए जा सकते हैं लेकिन पैदा नहीं किए गए, इतने साधन पैदा किए जा सकते हैं, इतनी संभावनाएं हैं जहां पर आप शायद वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी देने के साथ साथ जगह इतनी खाली रह सकती है कि बाहरी लोगों की आपको जरूरत पड़े, लेकिन सिर्फ एक राजनीति होती रही, आप तमाम पार्टियां राजनीति करते रहे। आज राजेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं, वो भी उनकी भी जवाबदेही बनती थी, संयोजक थे, लेकिन सहमति आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ बयान बयान बयान। देखिए आज भी नहीं, देखिए आप आज आप, भी उनके केंद्रीय नेतृत्व का वो दायित्व तो है, जिस तरह से ये बात, जिस तरह की बात बीजेपी अभी कर रही है, बीजेपी की बहुमत की सरकार है, जिस तरह की बात कर रही है, उसके शब्दों को आप परखने का कोशिश कीजिए। वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए नौकरियां वहां नहीं है, तो उनका निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और हैं, इस बात को परखने की जरूरत है आज हमारे समाज को, हमारे देश को, कि वो कहना क्या चाहते हैं, यूपी और बिहार के लिए नहीं है या स्थानीय नीति में किसी बाहर वालों के लिए नहीं है? हम स्थानीय को नौकरी देंगे ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि वो यूपी और बिहार वाले को नौकरी नहीं देंगे, वो चाहते क्या है, उनकी चाहत क्या है, इस बात को अगर समझ लिया जाए। बीजेपी की चाहत पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं बीजेपी के नेता यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं उनसे भी सवाल बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ कि सुशील मोदी कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, लेकिन उन्हीं पार्टी के नेता हैं, सीएम हैं रघुवर दास, कहते हैं कि हम बिहार यूपी के नेताओं लोगों को नौकरी नहीं देंगे। खैर ये बीजेपी से सवाल है, लेकिन फिलहाल आपकी चाहत क्या थी और आपकी चाहत क्यों नहीं पूरी हो पाई,
आपकी चाहत भी तो कुछ होगी, और आज उसी बयान का समर्थन आप कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं सर। हमारी चाहत तो इतनी है, हमारे पार्टी की चाहत इतनी है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को जरूर उनका हक मिले, उनके हक से कोई खिलवाड़ ना हो, लेकिन राज ठाकरे के बयान को चरितार्थ करने का प्रयास ना किया जाए, राज ठाकरे के बयान पर नीति आपने क्या कर दिया, आपने चाहत अपनी पूरी करने के लिए क्या किया सर, मुझे बता दीजिए। हमारी सरकार जब वहाँ थी, तो जब भी आप गठबंधन की सरकार में होते हैं तो मजबूरियां होती हैं, जैसा कि बता रहे हैं झामु में। मैं चाहूंगा कि आज उन मजबूरियों को दर्शकों के सामने बताइए एक एक कर, मजबूरियां के नाम होती हैं, इस शब्द का इस्तेमाल कर तमाम सियासतदान अब तक बचते रहे हैं। मैं चाहूंगा अशोक जी आप भी और मेरे ख्याल से आप भी, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, हेमंत सरकार जब थी आप साथ में थे, क्या मजबूरियां थी, क्यों नहीं सहमति नहीं बन पाई जब एक साथ थे तो, क्या हुआ ऐसा प्रवीण जी? जब एक साथ थे तब भी हमारी यह नीति लागू करने के लिए सरकार जिम्मेवार थे, जो मुख्यमंत्री वहां के थे वो जिम्मेवार थे, वो उस नीति को लागू कर सकते थे। आज भी वो हम कह रहे हैं कि सहमति नहीं बन पाई, आपकी पार्टी के नेता राजनीतिक आज भी उस बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, ये लगातार ये बातें उठती रही हैं, ये लगातार बातें उठती रही है। यही है कि स्थानीयता के नाम पर सिर्फ वोट लिया जाता रहा है, आप भी लेते हैं स्थानीयता के नाम पर, आप भी लेते हैं, आरजेडी भी करती है, बीजेपी भी करती है, जेडीयू भी करती है, एक नीति पर विचार करते हैं, देश के लिए हम एक नीति पर विचार करते हैं, हमारी पार्टी कभी इस तरह की बात नहीं करती। फिर आज आपने सीएम रघुवर दास के बयान का समर्थन क्यों किया? आपने किशोरनाथ शाहदेव प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपने बयान भी सुना, चाहे तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं, अगर हम आपने सुना भी होगा, समर्थन कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता वहां पर, क्यों समर्थन? जाहिर है स्थानीय लोगों का हक जो उनको मिलना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम एक नीति पर चलना चाह रहे हैं, समाज को बांटने नहीं जोड़ने वाली नीति पर, और एक तरफ आप राज ठाकरे की नीति को कि यूपी और बिहार के लोगों को न मिले, उनके नियत पे शक किया जा सकता है। नहीं तो आप समर्थन कर रहे हैं उसी बयान का सर, उस बयान में कोई खराबी नहीं है, तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं फिर? अगर वो पार्टी काम करती है, जब बहुमत की सरकार है, उनको अपना काम करना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तो समर्थन कर रहे हैं, नहीं उसकी उस बात को हम मानने को तैयार है कि वो स्थानीय लोगों को उसका हक दे, सिर्फ जबानी बात ना करे, ये यूपी और बिहार के लोगों को टारगेट करके तो बात जबानी ना करे। नहीं तो उस बयान का ही समर्थन करते हुए कहा है, पहले मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि सतना में फैक्ट्री लगे और भोपाल में फैक्ट्री लगे और बिहारी वहां काम करें, ये नहीं होने देंगे हम। ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है, विजय गोयल भी दिल्ली में इस तरह की बात पहले भी कर चुके हैं। राज ठाकरे जब बोल रहे थे तो कांग्रेस की ही सरकार थी, आप नहीं रोक पाए। राज ठाकरे अपना निशाना साध रहे थे, वो उनके एक से एक से बयान आ रहे थे और आपकी सरकार चुप्पी साधे हुई थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हाथ डाल दिया उन पर। हमारी सरकार चुप्पी नहीं साध रही थी, वो हर समय राहुल जी हमारे वहाँ विजिट करके दिखाए। क्या क्या हुआ? राहुल जी ने असर हुआ, मुंबई का असर हुआ सर? क्यों असर नहीं हुआ? राज ठाकरे के बयान में असर हुआ? राज ठाकरे का बयान, राज ठाकरे का बयान देने रुक गए? राज ठाकरे का बयान रुक गए क्या? बयान तो वो फिर भी देते रहे। तो ऐसे बयान देने वाले जब मुख्यमंत्री होंगे तो फिर कोई क्या कर सकता? आपके राज में राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया जैसे जिम्मेदार पद, आपके राज में राज ठाकरे तक को गिरफ्तार नहीं किया गया ऐसे बयानों को लेकर, और मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहते हुए ये बिहार और यूपी के लोगों को टारगेट किया। मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं सर? मुख्यमंत्री के बयान का नहीं, स्थानीयता के हक का समर्थन कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के हकों का समर्थन कर रहे हैं। तो आप स्थानीयता की जरा परिभाषा मुझे बता दीजिए, यहाँ पर आप परिभाषा मुझे बता दीजिए कि स्थानीयता की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? स्थानीयता की परिभाषा जो वहां के रहने वाले हैं उनको पहला अधिकार बनता कैसे है? कैसे तय होगा कि वो वहां के रहने, कौन लोग वहां के रहने? आज कहीं स्कूल का खुलता है उसके एडमिशन के लिए भी आप कहते हैं कि लोकल लोगों को पहले एडमिशन मिलना चाहिए। कैसे तय हो कि वो वहां के लोकल हो? कैसे तय हो? यही तो दिक्कत है, कैसे तय हो कि वो वहां के लोकल हैं या बाहरी हैं? ये तय तो नीति से सरकार ही कर सकती है। तो आपकी आपकी समर्थन वाली सरकार भी थी, आपकी सरकार भी थी, आपने क्या क्यों नहीं किया ये समर्थन, ये स्पष्ट? जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार अगर नहीं कर पाई उस काम को तो ये सरकार ना करे, लेकिन ये, करने ये के लिए वो जरूर आ गया है। हाँ। लेकिन नियत साफ करके आए, साफ नियत से आए, बिहार और राजनीति होती रही है, आपने भी समर्थन दिया था, एक महागठबंधन जैसी चीजें थी, देखिए भी आप कुछ नहीं कर पाए। आज बीजेपी कह रहे हैं तो आप सभी एक सुर में उनका समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम समाज को बांटने वाली नीति नहीं बताते करते नहीं हैं। नहीं, इसे जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका समर्थन का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जब से राज्य नया बना उसके बाद से सबसे ज़्यादा शासन किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया,
और इस तरह के राग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़बोलेपन का आप देख रहे हैं कि आज भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, ये क्या दर्शा रहे हैं? भारत चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री झारखंड के जी रघुवर दास जी जो कह रहे हैं वो इस तरह के बयान, ठीक इन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने जो पहले बयान दिया था उसी आप इनकी पार्टी कांग्रेस की का भी बयान, कांग्रेस का सवाल देखिए समर्थन उस बयान का समर्थन है, जेएमएम ने भी बयान का समर्थन, लेकिन कोई उस बयान करने को तैयार नहीं, उस बयान का स्थानीय नीति बनाने को लेकर के जिस तरह से इन्होंने दिया है बयान उनका समर्थन कांग्रेस कर रही है या कौन कर रही है उसका लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट है, नियत और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पहले भी बिहार और यूपी को, मैं कह तो रहा हूँ सर, सब तमाम सियासी पार्टियों की नियत में हो सकता है खोट हो, इसलिए शायद 14 सालों में आपने देखा, नीति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं आई। देखा होगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं सर, आता हूं, बिहार को अपमान, जल्द हाजिर होते हैं। सिर्फ 14 सालों तक यही तो होता आया है, अपमान या फिर मान सम्मान या फिर स्थानीयता को लेकर सिर्फ बहस होती रही, बड़े बड़े बयान आए लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, लोकतंत्र को भेदते बयानों के बाण चल रहे हैं जुबान से, नेताओं की जुबान से स्थानीय नीति के मुद्दे पर, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है सीएम रघुवर दास ने एक बयान देकर कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नौकरियां हैं उनमें यूपी और बिहार के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। अब इस पर फिर बवाल और फिर समर्थन और फिर तमाम राजनीति का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ एक और मेहमान निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू की तरफ से। निहोरा जी स्वागत है आपका। इस बयान पर मैं चाहूँगा आप अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दें, आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? सीएम रघुवर दास कहते हैं कि थर्ड फोर्थ ग्रेड में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी हम नहीं देंगे, बाहरी को नौकरी हम नहीं देंगे। जो मुख्यमंत्री जी का बयान है वह न तो राजहित में है और न देशहित में है, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समय समय पर ऐसे बयान आते रहे हैं जिससे देश में अलगाववाद को बढ़ावा मिले और ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के मूल अवधारणाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री जी का बयान है। देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने के व्यक्ति कहीं जाकर नौकरी कर सकता है, पेशा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, इसे संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, एक सेकंड में अब इसमें रोकते हूँ और रोकते हुए एक सवाल, जेएमएम के साथ आप थे, आप आरजेडी एक महागठबंधन जैसी बातें हो रही थी झारखंड में, जेएमएम तो खुलकर अब हेमंत सोरेन का बयान माथा फोड़ देंगे हम बाहरियों को अगर आए तो, शिबू सोरेन का बयान पुराना कितना सारा आप उठा सकते हैं, फिर ऐसी पार्टी के साथ जाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? नहीं, जेएमएम के साथ हम नहीं थे। आप देखिए, जेएमएम के साथ हम नहीं थे, बाहर से समर्थन देने की बात, लेकिन जेएमएम के साथ नहीं थे, लेकिन एक बात जरूर है, बाहर से समर्थन देने की बात थी कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने टारगेट किया है बिहार यूपी को, तो मैं मुझको आश्चर्य इसलिए भी नहीं लगता है कि जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जिन राज्यों में या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरकार रही है बिहार छोड़कर, वहाँ ऐसे बयान आते रहे। अब कहते हैं बिहार यूपी के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, तो ये तो बिल्कुल संविधान राइट जो अधिकार मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ बयान देना ये उचित नहीं है मुख्यमंत्री जी को सारे चीजें। लेकिन उस बयान का समर्थन जेएमएम कर रहा है और जेएमएम के नेता पहले भी इस मुद्दे पर आक्रामक रूख अख्तियार करते रहे। आपका अपने 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 पार्टियों की नीति है, नहीं तो ये हो सकता है जेएमएम की नीति होगी, नहीं तो ये नीति गलत है। आपके मुताबिक नीति गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि संविधान के अनुसार सबको काम करना चाहिए, संविधान के अनुसार सबको राइट मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसी मोड़ से मैं आगे बढ़ाता हूँ बहस को। अशोक जी, आखिर इस नीति की जरूरत क्यों? जेडीयू कह रहे हैं कि नीति किसी की भी पार्टी की हो गलत है,
तोड़ने वाली है। नहीं नहीं, आप बिहार की आप उठाकर देख लिए नियोजन की नीति को। जब हम लोग अलग हुए, एकीकृत बिहार से अलग हुए, और अभी का आप उठा करके देख लीजिए कि उनकी नियोजन नीति क्या है, बताइए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है मामला। पड़ोसी राज्य में चले जाइए आप, नियोजन नीति हमारे आप चले जाइए। मुझको स्पष्ट करिए कि हमारे यहाँ नियोजन नीति क्या है, जरा स्पष्ट कर दिए तो मैं बताऊं। ना पढ़िए ना, आपको खुद नहीं नहीं आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं यदि हमको जानकारी नहीं तो बता दीजिए नियोजन नीति क्या है, जो आपकी व्याख्या है। नहीं हमारे यहाँ नियोजन नीति क्या है, आना चाहिए था ना। नहीं नहीं आपको फिर इस बहस में आना नहीं चाहिए था ना, ये दिक्कत है। नहीं अगर आप बिहार के नियोजन नीति गलत है तो जरा उसको स्पष्ट कर दिए ना, तब मैं बताऊं कि आप जानते हैं कि नहीं बिहार के नियोजन नीति। अगर बिहार के नियोजन नीति आप जानते होंगे तो इस तरह नहीं बोलना। आप देख लीजिए अपना उठा करके, आप उठा करके देख लीजिए, आप उठा करके देख लीजिए कि आपकी नियोजन नीति में बाहरी प्रदेशों की कितनी परसेंट वहां पर नौकरियों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में रखा गया। हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वतः हो जाए कि बाहरी और भीतरी का कोई हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है। संवैधानिक डोमिसाइल पढ़िएगा तब ना मालूम होगा भाई, प्रतिबंध के मामला में क्या चीज वैधानिक आप देख लीजिए उसमें क्या, उसमें ये लगाया गया। नहीं तो आपको नहीं आइडिया है बिहार के बारे में, लगाया गया है उसको देख। नहीं तो आपको बिहार के बारे में आइडिया नहीं है तब। कैसे आइडिया नहीं, बिल्कुल नहीं बिहार के बारे में आइडिया ना आपको, आपको ज्ञान नहीं है तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान है तो आपको हेमंत जी के साथ सरकार में साथ बिहार की सरकार ने कहा कि हम बाहरी लोगों को नौकरी नहीं देंगे। आप तो यहाँ तक नहीं नहीं आप नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार में थे ही नहीं, आप तो सरकार में आपके मंत्री थे यहाँ पर। कहाँ कि झारखंड किसके साथ थे हमारे मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं, और जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू था ये सवाल नहीं उठा। अभी जो सरकार थी, सुन लीजिए आप, अभी जो सरकार थी जिसमें नियोजन नीति लागू हो रही थी उसमें आपके माननीय मंत्रीगण थे। किसमें माननीय मंत्री हमारे थे, जेडीयू के कौन थे जरा बताइए तो, बहुत ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं तो। अशोक जी स्पष्ट कीजिए सर, दर्शक फिर भ्रम में हो जाएंगे। हाँ नहीं भ्रम की बात नहीं है, आप वहां की नीति को देख लीजिए आपके। नहीं तो निहोरा जी तो दावा ठोक रहे हैं, आपकी आपकी जानकारी को गलत बता रहे हैं। अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो फिर ये भी गलत है सर। जानकारी नहीं है हमारे, हम आपने आपने जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन जी का आपने वक्तव्य को उठा करके कहा था कि सिर फोड़ देंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से बच्चे जाते हैं बिहार में थर्ड ग्रेड की नौकरी फोर्थ ग्रेड की नौकरी में, उनको मार के भगा दिया जाता है। बिहार में कब तो आरक्षित है, बातें हैं वहाँ पर भाई, मेरे यहाँ तो आप लोगों के लिए आरक्षित है, जो पॉपुलेशन के अनुसार नौकरी में आरक्षण है। कुछ आरक्षित नहीं है, अब आप कह दीजिएगा तो मान लेंगे हम। नहीं है कुछ नहीं है, आप कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे। हाँ तो मानना ही पड़ेगा, कैसे मान लेंगे भाई गलत चीज लीजिए, कहा नहीं माननीयगा भाई, हमारे यहाँ आरक्षण है आदिवासियों के लिए, कैसे हम देते हैं नौकरी उनको। जो 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 आप कर रहे हैं कितना परसेंट आप रखे हैं दुनिया जानता है ना भाई, जो पॉपुलेशन है उसके अनुसार रखा गया है आदिवासियों के लिए, कितने आपकी सरकार ने हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है आदिवासियों का उसके अनुसार रखा गया है। आप आ गए पॉपुलेशन, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। नहीं नहीं आप आ गए पॉपुलेशन में, नहीं नहीं अभी आ गए पॉपुलेशन में मिलेगा यहाँ पर ना है तो संविधान, संविधान में व्याख्या है क्या कि इतने परसेंट होगा इसका, इसका इतना परसेंटेज होगा नौकरी। संविधान में व्याख्या नहीं है, लेकिन संविधान में यह व्याख्या जरूर है कि 27% पिछड़ी जाति को मिलेगा, अब बाकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को मिलेगा, 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा, यह संविधान में है, जान लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। नहीं 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 जानता हूँ मैं, जानता हूँ, लेकिन आदिवासी का कितना देते हैं सो बताइए ना। अशोक जी व्याख्या कीजिए मुख्यमंत्री जी के बयान की, वो बयान क्या है। नहीं नहीं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अच्छी बहुत हेल्दी डिस्कशन हो रहा है सर, जानकारी होनी चाहिए, बहुत सियासत जो है भ्रम फैला कर की जाती है। मैं चाहता हूं अशोक जी ये डिस्कशन जारी रखिए सर, मैं शांत हो जाता हूं, आप दीजिए अपनी जानकारी, आप बताइए कितनी जानकारी आपके पास है बिहार को लेकर, निहोरा जी को बताइए आज की बिहार में भी तो भीतरी बाहरी का मुद्दा है, आप सिर्फ अकेले नहीं करते हैं इसकी राजनीति, बता दीजिए इनको। नहीं वहां तो हमारे बच्चे मार खा के वापस आ जा रहे हैं, एक उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण बताइए ना।
अरे माननीय माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस बात को उठाया है, आप सुन लीजिए। माननीय हेमंत सोरेन जी बता, आप तो प्रमाण दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जो हेमंत सोरेन जी ने बात उठाई है कि हमारे बच्चे जाते हैं और उनको मार के भगा दिया जाता है, तो वहीं पर स्पष्ट है। हेमंत सोरेन जी के बोलने से ठीक है, सच तो नहीं हो जाएगा ना, आपको एक प्रमाण देना पड़ेगा। सर हम बोल देंगे कि हमारा माथा फोड़ दिया किसी ने, तो हम ऐसा तो नहीं हो जाएगा। उस समय आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा सर, उदाहरण दीजिए। या फिर है कि सड़क से, या फिर वही तो उन्होंने उदाहरण दिया है। क्या वही तो उदाहरण दिया है उन्होंने कहा कि माथा फोड़ दिया जाता है। लड़के का नाम आप बोलिएगा कब? नहीं, हाँ, ऐसा है, गलत नहीं कहा। आप वो लड़का आके रो रहा था यहाँ पर हम लोग के सामने, अशोक जी, अशोक जी यहाँ आके रो रहा था आवास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में। अशोक जी मुझे बस इतना बता दीजिए कि संविधान की व्याख्या अगर आप बेहतर जानते हैं तो मुझे बता दीजिए कि संविधान में भीतरी बाहरी कहाँ लिखा हुआ है, भीतरी बाहरी का मुद्दा। नहीं नहीं देखिए, जहाँ पर संविधान इस बात की इजाजत देता है क्या कि जो सरकारें बनती हैं, बिल्कुल देता है, मुझे बिल्कुल देता है जो मुझे लोग सर है। मैं मेरी जानकारी बहुत हो सकती है कम है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ आपसे हो सकता है, लेकिन मुझे बकायदा वो बता दीजिए कि कौन सी धारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बता दीजिए सर भीतरी बाहरी का मुद्दा, शायद मुझे एक बार फिर से पढ़ना पड़े। भीतरी बाहरी का नहीं, जो थर्ड ग्रेड है, हाँ, और फोर्थ ग्रेड है, हाँ, हम दूसरे नौकरियों पर नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये जो मूल रूप से यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, चाहे वो बिहार के बिहार प्रदेश में हो, बंगाल के बंगाल में हो, चाहे साउथ में, तो 50% से अबव है। निहोरा जी तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है बिहार में, 50 से अबव है। निहोरा जी कह रहे हैं बिहार में नहीं है ऐसा, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। देख लीजिए, मैं साउथ का भी आपको उल्लेख कर दिया। साउथ छोड़ दीजिए, साउथ बहुत दूर चले गए हम, बगल की बात करते हैं सर, सिर्फ बिहार की बात करते हैं, छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूं कि बिहार में अगर आपका दावा सही है तो आज जब संविधान, अशोक जी मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि आज निहोरा जी या तो गलत हो जाएं, पूरे देश में सर इस मंच पर या तो आप गलत साबित हो जाएं या निहोरा जी गलत साबित हो जाएं, भ्रम की राजनीति नहीं होनी चाहिए प्लीज। आज आप निहोरा जी को बताइए कि बिहार में ऐसा है। दृष्टिकोण होता है, बिहार का अपना दृष्टिकोण है, झारखंड का अपना दृष्टिकोण है। हम तो जो हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, और हमारी जो पार्टी का जन्म हुआ, हम लोगों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज 40-50 सिर्फ राजनीति की कुछ किया नहीं, करते आ रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर सिर्फ राजनीति की। राजनीति कहाँ से है राजनीति? आप नहीं नहीं आपको सब देखिए सर, फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। आप जाकर के मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर स्पष्ट होनी थी। निहोरा जी की हुआ है सर, निहोरा जी की जानकारी आप दुरुस्त कर दीजिए। बड़े बड़े शहर बने गए हैं, बड़े बड़े कंपनियां स्थापित हो गई, कितने स्थानीय आदमियों का जिनकी जमीन आपने ली है उसका नौकरी दिया है। अगर इन मुद्दों पर आप चलेंगे तो यहाँ जितना शोषण हुआ है, रत्न गर्भा ये छिपा हुआ रत्न को आपने लेकर के दूसरे प्रदेशों का उजियाला किया। यहाँ की सियासी पार्टियों की गलती है अशोक जी, यहाँ की सरकारों की गलती है कि इतने संसाधन होने के बावजूद नहीं है, इतनी संभावनाएं नहीं तलाश पाए। अगर गलती को अगर तय मानिए कि सर इतनी संसाधन है तो मेरे ख्याल से इतनी नौकरियां हो जाएंगी यहाँ पर कि शायद बाहरियों की आपको जरूरत पड़ेगी स्थानीय लोगों को नौकरी देने के बाद, लेकिन सिर्फ राजनीति करने भर से यहाँ के रोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। कमजोर को सुन लीजिए, इतिहास गवाह है कि कमजोर को हमेशा कुचला जाता है, दबाया जाता है। अशोक जी मैं फिर उस पर नहीं आ रहा हूँ अशोक जी, हमारी सर, हमारी लोकसभा में एक सेकंड सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कमजोरों को आरक्षण की का प्रावधान है, लेकिन मुद्दा आप क्या कह रहे हैं बाहरी भीतरी का सर, कमजोर अलग बात है, आदिवासी हो बाहरी भीतरी जाति के हो लोग उनका आरक्षण अलग है। देखिए हमारा हमारा बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, हमारा स्पष्ट मानना है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन कहते हैं कि कह चुके थे कि आदिवासियों को ही सिर्फ नौकरी मिलेगी, गैर आदिवासी को नहीं मिलेगी, ये आपका एजेंडा है? नहीं ऐसी नहीं नहीं, ये आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बहुत पुराना बयान है, पर आदिवासी मूलवासी याद कीजिएगा। खैर लेकिन अशोक जी पुराना बयान ठीक है, मैं इन नीति का बोलिएगा पता नहीं सर इस नीति को लेकर मैं सीधे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस नीति को
आप कैसे परिभाषित कर रहे हैं जी? राजनीति खूब कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आज परिभाषित कीजिए। परिभाषित बहुत स्पष्ट है। हाँ बताइए। आप चले जाइए विभिन्न प्रदेशों में, अगर उस पर जो लागू है वहां पर भाषा है, संस्कृति है, बोली है, उसकी जानकारी है, बहुत सारे चीजें हैं वहां पर। मैं उदाहरण देता हूँ। सुनिएगा, बोलिए। मुंबई, हाँ, मुंबई आर्थिक राजधानी है, क्या सिर्फ वहां मराठियों की वजह से विकास हुआ मुंबई का जी? बताइएगा, बिहार झारखंड यूपी के लोगों का योगदान नहीं है? हाँ, एक उदाहरण। क्यों आंदोलन हो रहा है वहां पर? नहीं नहीं, विकास की बात मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि विकास या फिर में वहाँ पर नौकरियाँ, जैसे विकास की बात नहीं है। नहीं नहीं, विकास सुन लीजिए, बेंगलुरु सुन लीजिए सर, कर्नाटक, कर्नाटक जाइए, साउथ जाइए, विकास की बात सर, बारी बारी से सुन लीजिए, कर्नाटक जाइए, विनाश छुपा हुआ है। बेंगलुरु आईटी हब है, तो आईटी हब क्या वहाँ कर्नाटक वासियों के योगदान की वजह से है? और ऐसा नहीं है कि कर्नाटक वासियों को वहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है, कर्नाटक वासियों को भी मिलती है और बाहरी भी वहाँ पर आते हैं, योगदान देते हैं, लेकिन वहाँ संभावनाएं हैं, आप यहां पर संभावनाएं नहीं तलाश पाए, जबकि मुंबई और कर्नाटक के मुकाबले यहां संसाधन ज्यादा है। और सिर्फ आप ही नहीं, तमाम पार्टियां यहां पर जो भी राजनीति तो करते रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग आप पृष्ठभूमि आप देख लीजिए, जब अंग्रेजों का समय था, चलिए सर, जब मुगलों का समय आप था, बाकी मेहमान भी हैं, लेकिन आजादी के 60-65 साल समझने की जरूरत होगी, या फिर शायद आप एक यूं ही कुछ कह रहे हैं। निहोरा जी, नहीं नहीं, आपको जानना पड़ेगा ना, आंदोलन के पीछे जाना पड़ेगा, आपको आंदोलन के पीछे जाना पड़ेगा कि क्यों यहां पर आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा क्यों शहीद हो गए। अशोक जी, आंदोलन के सर पीछे मैं जाता हूँ, हाँ जी जी, और यही पाता हूँ कि उस आंदोलन से जो बातें निकली, उन बातों को गलत रूप में पेश करते हुए अब तक राजनीति का ढोल बजाया जाता रहा है। नहीं, मैं नजरिया अलग अलग होता जी, अशोक जी के कुछ नहीं, बातों से हम भी सहमत हैं। दिक्कत यहीं पर है, अशोक जी आप लोग को परिभाषित कर देते हैं कि गलत ढंग से परिभाषित करते हैं, तो मुझे आप बेहतर परिभाषित कर दिए। कोई आंदोलन करता है तो सर, स्थानीय नीति को लेकर लोगों ने शहीदी दिया, आप सर मुझे स्थानीय नीति की व्याख्या कर दीजिए। यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों की कुर्बानी हो गई झारखंड आंदोलन की बात करने पर, और नीति स्पष्ट है अशोक जी, जिस की लड़ाई हुई आज कहिएगा कि ढोल बजा कर, जरा मेरी बात एक सेकंड सुन लीजिए, ठीक है अशोक जी, स्थानीय नीति की जरूरत है। अशोक जी के कुछ बातों से हम भी सहमत हैं। कौन सी बात सर? जो कहा उन्होंने कि झारखंड का उस इलाके का शोषण हुआ, तो मैं भी सहमत हूँ कि जब ज्वाइंट भी बिहार था या अलग भी झारखंड हुआ, तो झारखंड का वाकई शोषण हुआ है। और जितनी खनिज संपदा झारखंड में था, आज सबसे अमीर राज्य के रूप में झारखंड होता, लेकिन उस खनिज संपदा का शोषण हुआ, अंग्रेजों ने भी शोषण किया, और जो भी रहा शासन में केंद्र में वह भी शोषण किया झारखंड का, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हम कहते हैं अशोक जी, कि आज भी बिहार के लोग झारखंड को अपने सहोदर भाई जैसा मानता है। जो भावनात्मक संबंध आज भी है, वह झारखंड के प्रति बहुत अपना परिवार, अपना भाई की तरह मानता है। कहीं झारखंड के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है, मान के चलता है कि हमारा अंग है। जब झारखंड विकसित नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बिहारवासियों के मन में भी तकलीफ है, होता है, अब पीड़ा होता है, चूंकि शोषण। और अगर झारखंड के विकास में बिहारवासियों का योगदान हो जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों का योगदान हो, तो इसमें क्या गलत है सर? क्या गलती इसमें गलती हो जाएगी प्रवीण जी? गलती कुछ नहीं होगी, बिहार और यूपी, पहले आपको जिस डिस्कशन के लिए हम लोग को बुलाए हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री जी के उस बयान का जो कमज़ोर लोगों को उनका अधिकार दिलाने की बात है, जिस नीति की बात वो करते हैं, एक बड़े कैनवास में देखने की कोशिश कर रहा हूं। उस बयान को बड़े कैनवास में जरूर देखें, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें तरह-तरह की बातें ही सिर्फ झारखंड राज्य को लेकर सिर्फ मत देखिए, उसके माध्यम से जो टारगेट किया गया है बिहार और यूपी को, उसको भी देखिए। हमेशा से बीजेपी ये दोहरी नीति अपनाती रही है, हर मुद्दे पर दो तरह की बातें करती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, उनकी नीति एक साथ चल रही होती है। बीजेपी उनका सवाल है सर, एजेंडा सामने कुछ होता है
और पीछे में कुछ होता है। बीजेपी के आज मेहमान नहीं आ पाए, इस बात को समझने की जरूरत है। जिस तरह से बीजेपी के लोग किसी भी सवाल को उठाकर अच्छे से अच्छे मुद्दे को दबा जाते हैं, आप मीडिया के अंदर देखिए गिरिराज सिंह का बयान आज क्या है, यही दर्शाता है कि अच्छे मुद्दे को दबा जाना है। हाँ ठीक है, वो अपने खिलाफ आने वाले इशू को दबा जाना है, और गिरिराज जैसे समझदार मंत्री ये बयान दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के इस बयान को समझने की जरूरत है। वो क्यों ये बयान, सवाल ये है कि इसकी जरूरत अभी क्यों बिहार में बनाने, कोई मना नहीं कर रहा। बिहार में सुशील मोदी कहते हैं, एक सेकंड, मैं बीजेपी पर सवाल उठा रहा हूँ सर। सुशील मोदी कह रहे हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी कोई नौकरी कर सकता है, ये कहते हैं, और उनकी पार्टी के नेता और सीएम कहते हैं कि नहीं हम थर्ड और फोर्थ, ये सवाल है बीजेपी को लेकर, लेकिन सवाल तमाम पार्टियों को लेकर। बिहार के नेता और बिहार को टारगेट किया जाता है झारखंड के नेता के द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, बिल्कुल ये सवाल बिहार और यूपी को टारगेट किया जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, सवाल सभी पार्टियों को लेकर है, मतलब है वहां उसका फायदा उठाना चाहती है और यहां के लोगों को निशाना बनाना चाहती है। अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे बहस में कि इस मुद्दे पर स्पष्टता भी नहीं है, भ्रम की स्थिति अब तक शायद बनाती रही है राजनीतिक पार्टियां, और इस पर सियासत होती रही है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हम इस भ्रम को दूर करने की आज कम से कम कोशिश करते हैं, ईमानदार कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बिल्कुल, तो ये स्थानीय नीति को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। समय समय पर इस नीति का जिन जो है बाहर आ जाता है, और इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का दौर शुरू हो जाता है। फिलहाल यही हो रहा है, लेकिन सवाल है कि स्पष्टता क्यों नहीं है, और इस मुद्दे पर तमाम पार्टियां जो राजनीति करती आ रही हैं, उन्होंने क्या कोई पहल की, ठोस पहल की? निहुरा जी, क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि इन 14 सालों में कोई ठोस पहल हुई किसी भी की सरकार हो? देखिए, एक बात बताते हैं कि जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी थे, या शिबू सोरेन साहब आदिवासियों की बात करते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि उस इलाके में आदिवासियों का जो शोषण हुआ, उस शोषण के खिलाफ बड़ा आंदोलन इन लोगों ने किया था, और उनकी प्रगति के लिए, विकास के लिए लगातार लड़ते रहे। तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर वो कोई बात बोलते हैं आदिवासियों के पक्ष में तो मेरा सवाल है कि सर, उन आदिवासी युवाओं को भी कहां रोजगार मिल पाया इन 14 सालों में? वो अलग बात है। तो मुझको नहीं लगता है कि कोई गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जब हम लोग ने कहा था, बहुत दर्द था भारतीय जनता पार्टी को, तो कोई आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिए होते तो लगता कि नहीं भाई, झारखंड के लिए बहुत दर्द है। हम लोगों ने कहा था कि आपने अन्याय किया, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल सीधा है, यह जो स्थानीय नीति आनी चाहिए या नहीं? देखिए, स्थानीय कानून है वहां, टेनेंसी एक्ट है, कई एक्ट है वहां झारखंड, नहीं सर, लेकिन स्थानीय नीति को लेकर स्पष्टता नहीं है। नहीं, वो अलग बात है, आप नौकरियों को लेकर, मैं कह रहा हूँ सर, नौकरियों के संदर्भ में कह रहा हूँ, आप इसके पक्ष में हैं कि ये जो मुद्दा है कि बाहरियों को नौकरी ना मिले, पहले जो यहाँ के लोग हैं, तो मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा नहीं होना कि हम बाहरी लोगों को नौकरी ना देंगे, चाहे वो बीजेपी करे या जेएमएम करे, कोई प्रावधान कर सकते हैं कि हम स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, यह होता है कि स्थानीय लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन बाहरी लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे दो राज्यों को। मैं ठीक है, ये गलत है मुख्यमंत्री जी का, और ये राजनीतिक लाभ है, चूंकि आदिवासियों में पैठ बीजेपी को नहीं है वहां, देखिए आदिवासियों में पैठ बीजेपी का नहीं है, और आदिवासी गैर आदिवासी लड़ाई लड़के ही बीजेपी उतनी सीट लाया है, तो वैसे स्थिति में आदिवासियों का सेंटिमेंट जोड़ने के लिए राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने बात कही है। ठीक है, तो अब इससे पहले भी यही बयान, ऐसे ही बयान आते रहे हैं आदिवासियों के सेंटिमेंट को बनाने के लिए। मृत्युंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से झारखंड राज्य बना है, तब से सबसे ज्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनकी नीयत में खोट है। अगर इस तरह की नीति, अगर उनका नीयत सही रहता, तो इस तरह की नीति बनाने के पीछे
वो काम करती और इस तरह की ठोस नीति बना कह रही है कि काम कर रहे हैं। कह रही है तो इतना दिन शासन में रहे, सबसे ज्यादा शासन में कौन रहा और अब इसको कैसे बनाइएगा जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है। इसमें बहुत सारी तकनीकियां। लेकिन मृत्युंजय जी क्या आपको लगता नहीं कि हेमंत, क्योंकि जेएमएम के अशोक जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, देखिए आम राय नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई? आप भी पार्टी है, बोल देना। देखिए बोल देना जनता, तो यही तो होता है, सब बोलते आ रहे हैं। जो उसमें बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं, आप अगर इस नीति को बनाते हैं तो कि कब से बना, जब से झारखंड राज्य नया बना या उसके पहले, ये क्या होगा पूरी ठोस नीति तो जब तक बिना नहीं 14 सालों में जब ये तय नहीं कर पाया। यही तो हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी भी नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ बयानों के जरिए बयान देंगे होती है, पहले भी बयान आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है यही चरित्र है, केंद्र में देख लीजिए लोकसभा चुनाव में यही बयान दे कर पूरे देश का वोट ले लिया। ये मान लिया जाए मृत्युंजय जी की सभी पार्टियां सिर्फ सियासत करती आ रही है, बीजेपी भी सियासत कर रही है, हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं माथा फोड़ देंगे तो वो भी सियासत करते हैं। देखिए सबसे बड़ा भारी जालसाज भारतीय जनता पार्टी जो है, सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। नहीं नहीं छोटे का सवाल नहीं है, छोटे का बिहार को सबसे ज्यादा अपमानित आपने देखिए इसके पहले भी। मैं माने तो बीजेपी बड़ा है लेकिन जालसाज बाकी भी हैं। नहीं नहीं जालसाज का क्या सवाल है, बिहार के हक और हकूक के लिए लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी संघर्ष कर रहे हैं और जब तक बिहार का हक और हकूक नहीं मिलेगा झारखंड की बात तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे पर आपका क्या, कांग्रेस का क्या रुख है? स्थानीय नीति होनी चाहिए और उसकी स्पष्टता आप बताइए, उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए और तकनीकी तमाम दिक्कतें जो है दूर क्यों नहीं हो पाई और बिना दूर किए सिर्फ बयान क्यों दिए जाते हैं? जिस कमजोर वर्ग के समर्थन की बात कांग्रेस करती है उसमें हर समय कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी रही है कमजोर वर्ग के साथ। बिहार से झारखंड अलग हुआ, कांग्रेस उसके साथ खड़ी थी, विकास की बात को लेकर झारखंड को अलग किया गया, उन्हीं लोगों के विकास की बात की गई जिनके बारे में अभी लगातार कहा जाता रहा, शोषण किया जाता रहा। स्थानीयता का मानदंड क्या हो, स्थानीयता का मान मापदंड मुख्यमंत्री जी जिस नीति से बयान दे रहे हैं उस नीति को वो स्पष्ट करें तो स्थानीयता। आप सुझाव दे दीजिए, स्पष्टता हो, क्या सुझाव है? हमारा सुझाव तो है वहाँ के कमजोर लोगों को जरूर समर्थन किया जाना चाहिए, उनको उनका समर्थन, और बाहरियों को नौकरी नहीं देना चाहिए। बाहरियों को नौकरी देने की इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, स्थानीय को नौकरी मिलेगा, प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस इस बात से सहमत है कि बाहरियों को नौकरी नहीं मिले, स्थानीयता को प्राथमिक, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बाहरियों को भी नौकरी मिले। सुमित जी स्थानीय किसको आप परिभाषित करते हैं? ये तो तय हो सर, मैं कहा तय करूंगा, ये तो नीति बनाने की बात करने वाले लोग करेंगे जो सरकार में है, जो सरकार में है, जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। ये देश एक है, स्थानीय कौन है? देश एक है तो सर फिर आप क्यों इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? हमने समर्थन कहा, हमने समर्थन कहा सर, हम लगातार कहते रहे जेएम का विरोध करते हैं खुलकर। भाई जेएम का विरोध, जेएम ने कहा था, जेएम ने कहा था हम बनाएंगे, बीजेपी का भी। भाई हम बना कितने दिन की सरकार रही, 6 महीना, हम तो कह रहे सबसे ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। कमेंट सर, स्थानीय कौन है और सिर्फ इस नीति पर सियासत ही करते रहेंगे या कुछ ठोस पहल होगी, माथा ही फूटता रहेगा या कुछ होगा भी? जी 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग का आह्वान किया है और उस दिन सारे पार्टी अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जेएमएम का क्या, उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, जेएमएम की तरफ से क्या कहा जा रहा है, स्थानीय कौन है, स्थानीयता का मानदंड क्या है? नहीं नहीं हम लोग तो सर्वदलीय मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, मैं स्थानीय की बात उठ गई थी, होने के पश्चात मुख्यमंत्री जी भी स्थानीय नहीं होंगे, उसके मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ी हैं, स्थानीय नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के हैं। तो सर ऐसे उदाहरण ले दे, जमशेद जी जो टाटा इतनी बड़ी कंपनी है वो कहां गए थे? यही तो तय करना है कि कब से आप स्थानीय मानेंगे। इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, कौन सा डेट होगा जिस डेट से रहने वाले को आप स्थानीय मानेंगे? ये नीति तय करेगी, आप लोग तय कर लीजिए लेकिन सियासत मत कीजिए इस मुद्दे पर सिर्फ। सियासत तो वो पार्टियां कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार, आप देख रहे थे नमस्ते।